अभी आप कौन सी मूवी देख के आए? कल की मूवी देखी। कैसी लगी? मुझे अच्छी लगी वो मूवी। उसमें बहुत ज़्यादा VFX यूज़ हुए हैं, जो रियलिटी होती है वो दिखाई नहीं गई है, और एक्टिंग का भी है जिसमें इतने बड़े बड़े हमारे अभिनेता एक्ट कर रहे हैं उसमें, जैसे अमिताभ बच्चन भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब ने परफॉर्मेंस ऐसी दिए लो बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 10 में से इसको 3 या 4 मार्क्स दूंगा। तो आपको लग नहीं रहा हिट जाएगी? हिट तो मुझे नहीं लगता कि हिट जाएगी, क्योंकि सभी का रिएक्शन ऐसा ही था, बहुत नॉर्मल रिएक्शन था। अच्छा, प्रभास की एक्टिंग के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? वो एक वर्ल्ड क्लास एक्टर हैं, मैं उनकी एक्टिंग के बारे में क्या कहूँ, लेकिन इस मूवी में थोड़ा लगा VFX ज़्यादा यूज़ हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा हमारी ऑडियंस पे। वैसे ओवरऑल एंटरटेनिंग है, आप जाओ देखो, वन टाइम वॉच है। दीपिका के बारे में क्या कहना चाहो? शी इज ऑलवेज 10+10, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, उन्होंने और भी अच्छी हो सकती थी। आई एम नॉट अ गुड एडवाइजर ऑफ हियर। अमिताभ सर के बारे में? एज अ सैड के वो लेजेंड है एक्टिंग के, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बट एज अ सैड के VFX बहुत ज्यादा यूज हुए हैं, जिससे उनकी एक्टिंग मुझे लगता है डाउनग्रेड हो गई। अगर आप इतनी सारी टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो जो रियल टच होता है वो नहीं आ पाएगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फिल्म में बड़ी बड़ी कास्टिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक स्टोरी अच्छी ना? एग्जैक्टली, जब तक स्टोरी अच्छी नहीं होगी, आप कास्ट करते रहो लोगों को, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितना आप रेट करोगे आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 आई विल गिव 2, 2.5।